देखते ही देखते हमारा समाज, सामाजिकता का अर्थ और हमारे आसपास का परिवेश कितना बदल गया है, और इस बदले हुए दौर में संयुक्त परिवार की व्यवहारिकता, उस पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। भौतिकवाद से ग्रसित आज की भागती दौड़ती दुनिया की विडंबना ही यही है कि परिवारों का स्वरूप जितना छोटा होता जा रहा है, व्यक्ति के पास अपने परिवार को देने के लिए समय में भी उतनी ही कमी आ गई है। एक दूसरे से दूर रहने की वजह से पारिवारिक सदस्यों में आपसी मेलजोल की भावना भी कम होने लगी है, और इस बदलाव के असर आज के दौर में हर एक परिवार में दिखने लगे हैं। लेकिन परिवार और हम सभी उसे देखकर, महसूस करके भी नजरअंदाज कर रहे हैं, बिना समझे, बिना ये जाने कि जिस अकेलेपन और कुंठा को ये जन्म दे रहा है, उसके परिणाम कितने खतरनाक और जानलेवा हो सकते हैं। बाबा अपना चा। एक कप चाय बनाने में इतना टाइम? बाबा वो गैस हम। बस बस बस, गैस खत्म हो गया। रे 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 रे, क्या है ये? चीनी बिल्कुल नहीं है इसमें। बाबा मैंने चीनी डाला था इसमें। हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम सही बोल रही हो। मैं और चीनी ले आती हूँ। इतने साल हो गए, खाना तो ठीक से नहीं बनाती, चाय भी ढंग से नहीं बना रहा था। बाबा क्यों चाहिए शॉप? अब तुम्हें क्या परेशानी हुई? बाबा आपको क्या हुआ है? आप सब पे नाराज रहते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। आप जानते हैं हमारी काम वाली ने हमें काम करने के लिए मना कर दिया है। वो कह रही है कि उसको आपसे डर लगने लग गया है। बस वो काम वाली की तुम बात ही मत करो, वो एक नंबर की काम चोर है। अरे अपना काम खुद से ठीक नहीं करती और मेरा नाम लेके बहाना बनाती है। बाबा एक आदमी बता दीजिए पूरे पाड़े में जिसकी आपसे बनती हो। क्या मतलब? मैं बाप हूं तेरा, और इन सब लोगों के लिए तुम अपने अपने बाप को सुनाते हो? शेम ऑन यू, शर्म आती है मुझे। बाबा शुजो छेड़े दाओ ना, जाने भी दो, क्या फायदा इस बारे में बात करके, उल्टा कोई और सुन लेगा तो और बदनामी होगी। क्या कहा, क्या कहा तुमने, फिर से बोल। ये घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी वजह से। इसके मन में मेरे खिलाफ जहर घोल दिया तुमने, ये सब इसी का नतीजा है। कैसी बातें कर रहे हो? बस बस, चला जाऊंगा इस दुनिया से। हाँ, मैं सच्ची हूँ, मैं पागल हूँ। हाँ, मेरी वजह से बदनाम हो गया, मैं पागल हूँ, सच्ची हूँ। मैं खड़ूस हूँ, पूरी जिंदगी भर मैंने इन लोगों के अपना खून पसीना बहाया है। अरे ललित, हाँ मिष्टी कहाँ है? पिछले दो चार दिनों से दिखाई नहीं दी। हाँ जरा मौसी के यहाँ गई हुई है। मौसी के घर? क्यों, स्कूल चालू होते हुए भी उसको मौसी के घर भेज दिया तुम लोगों ने? अरे कितने लापरवाह हो तुम। हाँ नहीं सान्याल बाबू, बच्ची जिद कर रही थी, जाने देना पड़ा। बच्ची है लेकिन तुम तो समझदार हो ना। अरे स्कूल चलते हुए उसको मौसी के घर भेज दिया ना, लापरवाह बाप है तू। अरे दीपा अपनी बच्ची का फ्यूचर का कुछ ख्याल है कि नहीं तुम्हें? अरे पढ़ाई छोड़कर उसको मौसी के घर भेज देना अच्छा लगता है क्या? मौसी के घर नहीं गई है, वो स्कूल गई थी। स्कूल से लौटी तो उसे बुखार हो गया, अभी घर पर सो रही है। क्या कहा, मिष्टी घर पर है? लेकिन अभी अभी तो तेरे पति ने कहा कि वो मौसी के घर गई है। सच क्या है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? देखो सच सच बता दो, मिष्टी कहाँ है? मैंने आपसे झूठ बोला था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी मिष्टी आपके साथ रह के आप जैसी खड़ूस और पागल बन जाए। एक तरफ एक मासूम बच्ची एक अनजान शख्स के घर में डरी सहमी रह रही थी, और क्यों, और आखिर वो इस मासूम से चाहता क्या था। वहीं दूसरी तरफ मिष्टी के माता पिता मिष्टी के बारे में अलग अलग बयान दे रहे थे, और अमित सान्याल वो शख्स जो सीधे मुंह अपने परिवार वालों से भी बात नहीं करता था, वो मिष्टी के गायब हो जाने से इतना परेशान क्यों था? रहस्य गहराता जा रहा था लेकिन किसी भी सवाल का जवाब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। कौन है वो लड़की और क्या रिश्ता है आपका उससे? अगर वो मेरी कुछ नहीं लगती तो क्या मैं उसकी मदद नहीं कर सकता? आप ही बताइए, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता? देखिए आप गलत समझ रहे हैं, हमारा मतलब वो नहीं है, लेकिन कुछ भी करने से पहले मामले से जुड़ी डिटेल्स जानना जरूरी है हमारे लिए। देखिए
मेरे पड़ोस में एक दुकान है राशन की, ललित देशपांडे और उसकी वाइफ दीपा देशपांडे वो दुकान चलाती है। मिष्टी देशपांडे उनकी बच्ची है। मिष्टी जब रोज स्कूल छूटने के बाद दुकान पर आती है तो मैं उससे बातें करता हूँ, यहाँ तक कि उसका होमवर्क करने में भी मैं उसकी मदद करता हूँ। लेकिन कुछ दिन हो गए मिष्टी दिखाई नहीं दे रही। आखिरी बार कब देखा था आपने उसे? एग्जैक्टली 4 दिन पहले। दादाजी दरवाजा खोलिए। आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। रुको रुको तो सही दादाजी। आओ हमारी गुड़िया रानी, आओ बैठो। दादाजी आप आज आए क्यों नहीं? मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे बेटा मैं भी तुझसे मिलना चाहता था, लेकिन क्या करूँ, आज मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं थी इसलिए आराम कर रहा था। लेकिन अब तू आ गई है ना, मेरी तबीयत ठीक हो गई है। और फिर हमेशा की तरह मैंने मिस्टर को होमवर्क करने में मदद की। उसके बाद वो अपने घर चली गई। तब से लेकर आज तक वो मुझे दिखाई नहीं दी। और मेरे पूछने पर दोनों हस्बैंड वाइफ कुछ सही जवाब नहीं दे रहे। हाँ जरा मौसी क्या गई है? मौसी के घर नहीं गई है वो, कल स्कूल गई थी। वहाँ से लौटी तो बुखार आ गया उसे, अभी घर पर है। अब आप ही बताइए, जब दोनों हस्बैंड वाइफ पूरा दिन अपने दुकान पर रहते हैं तो उस मासूम बीमार बच्चे को घर पर अकेला छोड़ा होगा उन्होंने? झूठ बोल रहे हैं। आप अभी मेरे साथ चलिए और पूछे उन दोनों को। देखिए ऐसा भी हो सकता है घर पे किसी को रखा हो उन्होंने मिष्टी का ख्याल रखने के लिए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मिष्टी का ख्याल रखने के लिए उन्होंने घर पर किसी को नहीं रखा है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ हमेशा लड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि अब वो किसी भी दिन एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। मुझे डर लग रहा है कि एक दूसरे से अलग होने के चक्कर में उस बच्ची के साथ कुछ गलत न कर बैठे वो लोग, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अभी अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चलिए और पूछे उन दोनों को कहाँ है मिष्टी। हाँ मैडम ये सच है कि मिष्टी 3 दिन से गायब है। 3 दिन पहले स्कूल जाने के लिए निकली फिर वापस नहीं लौटी। मिष्टी के पैदा होने के पहले से मेरी औरत का चक्कर किसी और के साथ है। मुझे तो यहाँ तक भी शक है कि मिष्टी मेरी ही लड़की है या नहीं है, इसलिए जब वो वापस घर नहीं लौटी तो मुझे चिंता नहीं हुई बल्कि खुशी ही हुई। खुशी तो मुझे भी बहुत हुई थी जब मिष्टी घर वापस नहीं लौटी थी। कई सालों से मैं ललित से अलग होना चाहती थी लेकिन कोई होने ही नहीं देता था। सब बस एक ही बात कहते थे, कभी घर वाले कभी बाहर वाले। मिष्टी के बारे में सोचो, अगर मैं मिष्टी को अपने साथ भी रख लेती तो ललित तो दूसरी शादी कर लेता ना, और इतनी बड़ी लड़की को मेरे साथ देखे मुझसे कौन शादी करता, मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती ना। लेकिन आपके पति का कहना तो कुछ और है, ललित को ऐसे लगता है कि मिष्टी उसकी बेटी नहीं है। यही ना, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी मैम, मेरा बॉयफ्रेंड है लेकिन मिष्टी ललित की ही बेटी है। और अब आप ही बताइए मैं अकेले इसका बोझ क्यों उठाऊं? मैम ऐसे माँ बाप मैंने कभी नहीं देखे, बच्ची गायब है कुछ पड़ी नहीं है। मुझे तो लगता है बच्ची से दोनों परेशान थे, इनमें से एक ने या फिर दोनों ने मिलकर बच्ची को गायब किया। इनके घर की तलाशी लेते हैं शायद कुछ क्लू मिले। यस मैम। बत्ती सी दिखा दे रास्ते। आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं बोल रही हूँ कि मेरी, देखिए हम हमारा काम करने दीजिए, शायद ऐसी कोई चीज मिल जाए जिससे आपकी बेटी कहाँ है पता चले। सरा नहीं छोड़ा। ऐसी क्या चीज मिल जाएगी आपको मैम यहाँ पे? आप शांत खड़े रहिए प्लीज। आपको हमारी बच्ची को ढूंढना चाहिए, आप ये क्या करवा रही हैं? टिकट वाला पार्टी मैम, ये चिट्ठी मिली है। सांसें दफन सी होने लगती हैं, सीने में जब मैं अपनी तन्हाई से रूबरू होती हूँ, क्या पूरी जिंदगी इस मेहनत का प्रतिफल केवल अकेलापन होता है? पहले जब कोई ना बोले तो दीवार बोल पड़ती थी, मगर अब तो वो भी खामोश हो गई हैं। शायद वो भी मुझसे बोलना नहीं चाहती हैं, बाकियों की तरह कोई नहीं रहा मेरा, न दीवारों से बनी
इस घर में ना इस दुनिया में सपने जैसे त्याग दिया है मुझे। अगर कोई है जो मुझसे चिपका है तो वह है मेरी भीतर का सन्नाटा और अकेलापन, जो अब और बर्दाश्त नहीं होता। शायद मौत पीछा छुड़ा दे, जुदा कर दे मुझे और मेरी तन्हाई को। अलग अलग मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए, इस दुनिया से दूर, अपनी जिंदगी से दूर। ये तो सुसाइड नोट है, लेकिन ये सुसाइड नोट किसी 7 साल की लड़की की लिखी हुई नहीं लग रही है। ये हैंडराइटिंग आपके बच्चे की है? हाँ मैडम, ये तो मिस्टेक की लिखावट है। मैं मुझे लगता है पेरेंट्स के बीच के डिफरेंसेस और रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर मिस्टी ने सुसाइड कर लिया होगा। इस लेटर से भी तो वही लगता है। नहीं, 3 दिन से लड़की गायब है। अगर सुसाइड करती तो डेड बॉडी जरूर कहीं ना कहीं मिलती। और रही बात सुसाइड नोट की, ये 7 साल के लड़की ने नहीं लिखी है। तो फिर क्या लगता है मैम? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं जो दिख रहा है वैसा है नहीं। इसके गुमशुदगी के पीछे शायद इसके माँ बाप का हाथ, और ये सुसाइड नोट उस पर पर्दा डालने की कोशिश। एक 7-8 साल की लड़की इतना मेच्योर लेटर नहीं लिख सकती। आस पड़ोस में पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। हाँ साहब, 3 दिन पहले मिस्टी को देखा था जब मैं ललित की दुकान पर राशन लेने गई थी, तो वहीं बैठी हुई थी। और हाँ, मेरी सहेली इंदु और उसका बेटा चिंटू भी वहीं खड़े थे। हाँ साहब, मेरा ही नाम इंदु है। उस दिन मिस्टी को देखा था दुकान से उस अमित दा के घर जाते हुए, पर बाहर जाते हुए नहीं देखा। अमित दा? हाँ सर, बड़े ही अजीब आदमी है, सब डरते हैं उनसे, बात बात पे गुस्सा करते हैं। बाबा आपकी चाय। अरे बार तो यही है। ये क्या, अखबार भी नहीं पढ़ा आज? बाबा 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 बाबा, ये लीजिए चाय। लेकिन इससे पहले कि पुलिस को मिस्टी के बारे में कोई सुराग मिले, अमित सान्याल का अचानक अपने घर से गायब हो जाना क्या महज एक संयोग था या फिर एक सोची समझी साजिश? गौर करने वाली बात यह थी कि अगर मिस्टी का कोई करीबी था तो वो था अमित सान्याल। ऐसे में अमित सान्याल का गायब हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा था। क्या मिस्टी को अमित ने ही गायब करवाया था, या फिर इन दोनों के गायब होने के पीछे किसी और मास्टरमाइंड का हाथ था? कहां है अमित सान्याल? क्या वो इस तरह पर्दे के पीछे रहकर कोई साजिश रच रहा है, या फिर वो खुद किसी साजिश का शिकार बन गया है? अमित सान्याल से मिलना है। बाबा तो है नहीं घर पे। किधर गए, कहीं बाहर गए? नहीं, एक्चुअली कुछ पता लग नहीं पा रहा है अभी तक। पता नहीं चल रहा है मतलब? आखिरी बार कब देखा था उन्हें? जी कल रात को, क्योंकि सुबह से तो वो दिखाई नहीं दिए। मैं चाय लेकर उनके कमरे में भी गई थी, लेकिन वो कमरे में भी नहीं थी। मैंने पापा का फोन भी ट्राई किया, लेकिन फोन भी बंद आ रहा है। तो अब तो शाम हो रही है। अब तक आपने अपने बाबा को ढूंढना चाहिए था, या फिर हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था? मुझे ऑफिस से आने के बाद पता लगा। क्या हम उनका कमरा देख सकते हैं? मैम, ये आपके बाबा का फोन है? जी ये तो बाबा का है। हाँ ये बाबा का फोन है, लेकिन बाबा ये फोन छोड़ के क्यों गए? कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालो। यस मैम। भाग मारे कहीं सापड़ दे। मैम ये चिट्ठी मिली। मेरी सांसें दफन सी होने लगती है सीने में, जब मैं अपनी तन्हाई से रूबरू होने लगता हूँ। क्या पूरी जिंदगी का प्रतिफल केवल अकेलापन होता है? पहले जब कोई ना बोले तो दीवारें बोल पड़ती थी, मगर अब तो वो भी खामोश हो गई है। बागमारे ये तो सेम नोट है जैसा मिस्टी के घर से मिला था। लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड सेम लिखा है। लेकिन सुसाइड करने वाला इंसान सुसाइड नोट ऐसी जगह पर रखेगा जहां से वो आसानी से मिल सके। इन्होंने ड्रॉवर में क्यों रखा था? कहीं ऐसा तो नहीं है आप लोग इस सुसाइड नोट के बारे में पहले से जानते थे और छुपा के रखा था? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। हमें भी अभी पता लगा जब ड्रॉवर खुला है। उनके कोई करीबी रिश्तेदार या दोस्त जिनके यहाँ वो जा सकते हैं? हाँ कुछ लोग हैं। कौन है? वाह, तुम्हारे बाल तो कितने अच्छे हैं। बहुत मुलायम है। घर में तुम्हारे बाल कौन बनाता था?
मम्मी या पापा? मम्मी बना दी थी पर अब उन्होंने भी बंद कर दिया, अब मैं खुद से ही बना लेती हूँ। वैसे आपको बाल बनाना किसने सिखाया? अपने बहन के बाल मैं खुद ही बनाता हूँ, तब से सीख लिया। पर आपकी बहन कहाँ रहती है? मेरी बहन? मेरी बहन यही रहती है। ये मेरी बहन यही रहती है। यमित और मिष्टी के लेटर सेम होना कोइंसिडेंस नहीं है वाघमारे। यू आर राइट मैम, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये कोइंसिडेंस नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? ये अमित मिष्टी को पढ़ाता था, तो ये भी हो सकता है उसने बहला फुसलाकर मिष्टी से लेटर लिखवाया हो, उसके बाद उसका किडनैप किया हो या फिर मार डाला हो, और जैसे ही उसे लगा कि वो पकड़ा जाएगा वो खुद गायब हो गया, उसी तरह का लेटर लिखकर जिस तरीके का लेटर उसने मिष्टी से लिखवाया था। लेकिन एग्जैक्टली वही लेटर क्यों मैम? अगर वो चाहता तो उसको कुछ और तरीके से भी लिख सकता था। यू आर राइट, इसी बात से मैं परेशान हूँ कि सेम लेटर क्यों। मैम अमित जी की कॉल डिटेल्स आ गई हैं, लेकिन इसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं है, और मिष्टी की फोटोज हमने सारे टोल नाकों और पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कराई थी, लेकिन वहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, और आसपास के किसी भी एरिया से बॉडी भी रिकवर नहीं हुई है। उसकी फोटो न्यूज़पेपर में छपवाओ, उसकी डिटेल्स और हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, जरूर कुछ हाथ आएगा। श्योर मैम। मिष्टी और अमित सान्याल का सुसाइड नोट हूबहू एक जैसा होना किस बात की तरफ इशारा करता है? ये कैसे हो सकता है कि एक 7 साल की बच्ची और एक 65 साल का बुजुर्ग घर से गायब होने से पहले एक जैसा सुसाइड नोट लिखते हैं? इतना तो तय है कि ये महज एक संयोग नहीं है। तो क्या सान्याल ने ही मिष्टी को बहला फुसलाकर उससे सुसाइड नोट लिखवाया और उसका अपहरण करवाया है, या फिर मिष्टी और सान्याल से सुसाइड नोट लिखवाने वाला कोई और ही है? पुलिस के लिए सवालों की फेहरिस्त बढ़ती चली जा रही थी। ये तय किया गया कि इस केस से जुड़े हर शख्स और उस शख्स से जुड़े हर व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी। अमित सन्याल के घर पे काम करती हो ना तुम, कैसे आदमी थे वो बता सकती हो? जी कुछ अजीब तो थे वो, मुझे तो बड़ा डर लगता था उनसे। हाँ दोपहर में जब स्कूल से मिष्टी आया करती थी तो उससे बहुत अच्छे से बात किया करते थे वो। आपके जाने के बाद सर ललित, दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की बहुत आदत है ना तुझे, पुलिस लेके आएगा मेरे दरवाजे पे, मिष्टी मिले या ना मिले मैं तुझे गायब करवा के जरूर छोड़ूंगा। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक अमित का उम्र के साथ साथ चिड़चिड़ापन बढ़ गया था और उसके रिश्ते अपने परिवार से बिगड़ गए थे। तो क्या उनके अपने बेटे और बहू ने उनके साथ कुछ बुरा किया, या फिर ललित ने उनसे अपने घर पुलिस बुलाने का बदला लिया? धमकी दी थी ना तूने, अमित सन्याल को गायब करवा दूंगा। मैं क्या जानू वो कहां है, अरे उस समय गुस्से में था, मेरे मुंह में जो आया निकल गया, अरे मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं जानता वो कहां है। तूने तो खुद कहा था तेरी बेटी गायब हो गई तो बहुत खुश हो गया था तू, और जब अमित सान्याल ने तेरे बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई तो तेरे खुशी पे पानी फिर गया। तूने तो धमकी भी दी थी उसे जाकर कि तुझे गायब करवा दूंगा, और ठीक दूसरे दिन अमित सान्याल गायब हो भी जाता है, और तू कहता है कि हम ये मान ले कि उसके गायब होने में तेरा कोई हाथ नहीं है। मैडम पापा मानो चाहे मत मानो लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मुझे तो लगता है कि मेरी बेटी मिष्टी के गायब होने में उसका हाथ है। आप सोचो जो आदमी अपने बेटे बहू से सीधे मुंह से बात न करता हो, उनका जवाब न देता हो, वो भला मेरी बेटी से 24 घंटे क्यों चिपका रहेगा, क्यों पटती थी उन दोनों की। वाघमारे ये मिष्टी से जुड़ी हर बात अमित पर आकर खत्म हो रही है, अगर हमें मिष्टी तक पहुंचना है तो अमित को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर अमित ने वाकई सुसाइड कर लिया तो हमें कैसे ढूंढेंगे? तो फिर किसी ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जो मिष्टी की तरह अमित के भी करीब है, जो उसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा बता सके। ये मिष्टी अमित के जिंदगी का खास हिस्सा तो हो सकती है लेकिन उसकी पूरी दुनिया नहीं हो सकती। इनको यहाँ देखा है कभी? ये तो सन्याल बाबू हैं, यहाँ लगभग रोज आया करते थे। अकेले या किसी के साथ? कई बार एक बच्ची आती थी। उस बच्चे के अलावा वो किसी और के साथ बात करते थे? एक आदमी था, कभी कभी उसके साथ शतरंज भी खेलते थे। अभी आ रहा हूँ। दादाजी प्लीज थोड़ा जल्दी। बस बेटा दो मिनट। अभी मुझे बोर हो रहा है। ओ तुम उसे जानते हो, क्या नाम है, कहाँ रहता है? नहीं साहब, लेकिन दोनों की जोड़ी बड़ी अनोखी थी। अनोखी मतलब? मतलब कि सन्याल बाबू भी यहाँ किसी से बात नहीं करते थे, और उस आदमी को भी मैंने सन्याल बाबू के अलावा किसी से बात करते हुए नहीं देखा। जब सन्याल बाबू होते थे तो वो उनके साथ शतरंज खेलता था, जब सन्याल बाबू नहीं होते थे तो वो अकेला शतरंज खेलता था, एक हाथ से एक चाल चलता और दूसरे से दूसरी, और बीच बीच में बातें भी किया करता था,
ऐसा लगता था जैसे उसके सामने खुद का कोई आदमी बैठा हो। उसके बारे में कुछ और याद है? हाँ, एक बड़ी अजीब बात थी उसकी। वो हमेशा एक जैकेट पहना रहता था, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले पहनते हैं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या? देखो क्रोकोडाइल। वाओ। मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। तुम्हारा आराम से पीजिएगा, बहुत गर्म है। पीकर देखिए ना मैंने कैसा बनाया, कैसी बनी है चाय। ठीक है तुम जा सकते हो, और हाँ इसको फिर से देखते हो तो तुरंत खबर करना। ये अच्छा मैं बगमा रे, ये माली के हिसाब से तो ये इंसान साइको या फिर सनकी होना चाहिए। ये मिष्टी और अमित दोनों इसके कैद में हैं। अब तक सही सलामत है लेकिन कब तक सही सलामत रहेंगे बता नहीं सकते। कुछ लोगों की अपनी टीम बनाओ और ये स्केच के साथ आसपास के एरिया में भेज दो, शायद कुछ पता चल जाए। यस मैम। यस। और हाँ, ये माली के हिसाब से ये इंसान ट्रैफिक पुलिस की जैकेट पहन के रहता है, ये इस तरह की जैकेट उसे कहाँ से मिल सकती है। मैम ये जैकेट तो सिर्फ डिपार्टमेंट ही प्रोवाइड करती है। हाँ लेकिन अगर मार्केट में कहीं मिले तो ड्रामा कंपनी को कॉस्ट्यूम्स प्रोवाइड करने वाली जगह पर ही मिल सकती है। करेक्ट। इसका मतलब है इस तरीके के शॉप से सिविलियंस भी ऐसे जैकेट्स खरीद सकते हैं। अपनी एक टीम ऐसे शॉप्स में भेजो, शायद वहाँ से कुछ क्लू मिल जाए। उसके फोटो ट्रैफिक पुलिस में सर्कुलेट करो, हो सकता है वो ट्रैफिक हवालदार हो। मैम ओके। बेटा मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। बेटा मायूस क्यों हो तुम? अंकल आप जब भी बाहर जाते हैं ना तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, कोई खेलने के लिए होता ही नहीं है। अच्छा अच्छा ये बात है तो ठीक है, कोई बात मैं अपनी बहन से मिलाता हूँ तुम्हें आज। ठीक है ठीक है, चलो जब मैं घर पे ना रहूँ तो तुम उसके साथ खेलना। चल पहली बार मैं मिला रहा हूँ अपनी बहन से, ढेर सारी बात करना ठीक है। मिस्टी 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 रुक जा बेटा। क्या हुआ भाई साहब? मेरी बच्ची मिस्टी वो नाराज होके चली गई, मैं उसके पीछे पीछे आया तो गिर पड़ा, चोट लग गई मुझे। देखो मैं पकड़ नहीं पाया, देखो वहां जा रही, अब मुझे मदद करो ना। रुको मैं देखता हूँ, तुम यही रुको मैं देख के आता हूँ। जल्दी कर मेरे बच्ची। इसे देखा है? नहीं हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। इसको पहचानते हो? हाँ मैम इसे मैं पहचानता हूँ, ये कई बार हमारे दुकान में आ चुका है। उसे ठीक ऐसी फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर की जैकेट चाहिए थी जो कि ट्रैफिक पुलिस वाले पहनते हैं, और उस वक्त ये हमारे पास था नहीं, इसलिए मैंने इसका नंबर और एड्रेस ले लिया। वो एड्रेस और नंबर है अभी आपके पास? जी मैम मैं चेक करके बताता हूँ। मिल गया मैम। हाँ बोलिए। ये
भाग मारे, ये बच्ची यही थी, चेक करा सगा, जाओ अंदर चेक करो। मैम मैम यहाँ आइए। क्या हुआ? सान्याल की तलाश पुलिस को चिंतन के घर तक ले आई। पुलिस को अब यह बात पता चल चुकी थी कि मिष्टी को अपहरण के बाद इसी घर में रखा गया था, लेकिन चिंतन के घर के कमरे से मिली एक औरत की लाश किसकी थी, कौन थी वो औरत? पुलिस को अब सान्याल और चिंतन के रिश्ते की खबर लग चुकी थी, लेकिन सान्याल की तरह अब चिंतन भी गायब था, और तो और मिष्टी का भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ थी, कैसी थी, किस हाल में थी। केस सुलझने की बजाय और उलझ गया था। मैम चिंतन के कॉल डिटेल्स में से जो कॉल्स हमें मिले हैं उनमें से दो कॉल्स उसने अपनी बहन अनंदिता को की थी जो कि कल्याण से बाहर रहती है, और बाकी के दो नंबर्स उन दुकानों के हैं जो उसने रेंट पे दे रखी है। चिंतन के घर से हमें एक लड़की की लाश मिली है, 6 महीने पुरानी। क्या लाश मिली है 6 महीने पुरानी? वो हमारी बड़ी बहन सुनंदा हो सकती है। पता करो ये सुजा, मोमिता और मिष्टी, इन तीनों का चिंतन या उसकी फैमिली के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं है। मेरा बच्चा। क्या हुआ? वो आदमी हमारा बच्चा लेके चला गया। मेरा बच्चा। हेलो, जब वो लड़की मुझे नहीं मिली तो वापस लौट आया, और वापस आके देखा मेरी पत्नी बिलक बिलक के रो रही थी। हेलो सर, कल्याण में एक लाश मिली है। क्या? ठीक है, हम पहुंचते हैं। मैम ये फोन मिला। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए भेज। कितने दिन पहले हुई होगी हत्या? तकरीबन 3-4 दिन पहले। ये अमित सान्याल ने सुसाइड लेटर तो घर पे छोड़ा था, ये सुजा और मोमिता को पूछो, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस मैम। मैम फोन डिटेल्स आ गई हैं। उसका सिम अमित सन्याल के नाम पर ही रजिस्टर्ड, लेकिन अजीब बात यह है कि अमित के बेटे ने जो उनका नंबर हमें दिया है ये वो नंबर नहीं है। इसका मतलब है अमित के दूसरे नंबर के बारे में किसी को पता नहीं, उसके बेटे तक को नहीं। लगता तो ऐसे ही है, इस नंबर से सिर्फ 2 नंबर्स पे कॉल किए गए हैं। एक किसी फ्रेंडशिप क्लब का नंबर है जहां पर पैसे लेकर लोगों की बातें दूसरे लोगों से करवाते हैं। 2 महीने पहले तक अमित इस नंबर पे लगातार कॉल्स किया करते थे, फिर अचानक 2 महीने पहले ये बंद हो गया और इस दूसरे नंबर पे कॉल्स करना शुरू हो गया। ये दूसरा नंबर किसका है, कुछ पता चला? सुशांत मंडल का है। पता करो ये कौन है, और ये फ्रेंडशिप क्लब के ओनर से भी पूछताछ करो। मैम नहीं, ये फोन हमने बाबा के हाथ में कभी नहीं देखा है। और सर हमें तो पता भी नहीं कि बाबा 2 फोन रखते थे, और ना ही ये फ्रेंडशिप क्लब वाली बात हमें पता थी। और ये सुशांत मंडल का नाम भी हमने पहली बार सुना है सर। जी हाँ, अमित सन्याल नाम का एक आदमी हमारे क्लब का मेंबर था, लेकिन 2 महीने पहले उसने यहाँ पे कॉल करना क्यों बंद कर दिया मैडम, ये कैसा हम बता सकते हैं? ठीक है, आपके सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स चाहिए हमें। 4 महीने पहले जो लोग जॉब छोड़ के गए थे उनकी भी, और जिन्हें जॉब से निकाला गया था उनकी भी डिटेल्स चाहिए। सुशांत मंडल, बोलो अमित सान्याल को कब से और कैसे जानते हो? कब से और कैसे का सवाल ही नहीं उठता मैम, क्योंकि मैं इस नाम के आदमी को जानता ही नहीं हूँ। तो बिना जान पहचान के तुम उससे बात करते थे? 2 महीने पहले इसी नंबर से तुम दोनों के एक दूसरे के साथ रात रात भर बात चलती थी। लेकिन ये मेरा नंबर नहीं है। लेकिन ये नंबर तो तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है। मेरे पास सिर्फ एक नंबर है, और वो नंबर ये नंबर नहीं है। मैं एक कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ, पिछले 3 महीने से लगातार मैं नाइट शिफ्ट में काम कर रहा हूँ। अब चाहे तो ऑफिस आके पता कर सकती हैं। ठीक है, बाहर वेट करो। ये इन्वेस्टिगेशन तुलसती जा रही है मैम। बागमारे मुझे नहीं लगता ये झूठ बोल रहा है, ये नंबर उसका नहीं है, किसी ने उसके नाम पर लिया है।
लेकिन नया नंबर लेने के लिए कोई ना कोई आईडी प्रूफ देना जरूरी है मैम। सर्विस प्रोवाइडर से पता करो ये नंबर किसने लिया है और क्या डॉक्यूमेंट्स दिए। मम्मी पापा हंसी लगते, मैं भी हंसता। हेलो, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मम्मी पापा हमेशा लड़ते रहते। बेटा तुमने वो लेटर क्यों लिखा था? उस दिन जब मैं अमित दादाजी के पास गई उस लेटर को बस कॉपी कर लिया और फिर घर में रख दिया और मैं जाके गार्डन में बैठ गई। मैं सोच रही थी कि अगर मम्मी पापा मुझे प्यार करते तो जरूर मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आएंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया। वो अंकल मुझे जबरदस्ती अपने घर पे लेके गए और एक कमरे में बंद कर दिया। वो कभी कभी मुझ पे बहुत चिल्लाते थे। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम जब वो अंकल के यहाँ थी तो तुम्हारे वो अमित दादाजी तुम्हें मिलने आते थे? नहीं। बागमारे ये चिंतन को हमें जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। मैम हम उसके घर पे लगातार नजर रखे हुए हैं लेकिन अभी तक वो वहाँ पहुँचा नहीं। इसके अलावा हमारी एक टीम और खबरी भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम श्योर बहुत जल्द हमें कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। मैम कंट्रोल रूम से कॉल आया था। चलो बच्चों की कागज मम्मी पापा मुझे अचानक छोड़ के चले गए तो क्या करूं मैं? मैं मैं बोल हम लोग हंसते रहे कूदते रहे सब कुछ करते रहे, मिस्टी भी चलेगी मेरी छोटी बहन भी चलेगी, उसमें मैं इसको इसे मेंटल असाइलम पहुंचाने का इंतजाम करूं। हेलो ओके मैम, किसी ने सुशांत की इलेक्ट्रिसिटी बिल चुरा के नया सिम ले लिया होगा। एक काम करो सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ओके मैम। नीता एक सेकंड पॉज करो, जूम इट। ये लड़की कौन है? सर ये तो मालती मैडम है, सामने वाली विंग में रहती है। अरे तुम बहुत खूबसूरत लग रही है। कुछ भी। अमित कहाँ है? कौन अमित? मैं किसी अमित सान्याल को नहीं जानती। अच्छा तो तुम्हें कैसे पता कि उसका पूरा नाम अमित सान्याल है? ये अमित सान्याल जिस फ्रेंडशिप क्लब का मेंबर थे उसमें आप दोनों काम करते थे, उसका दूसरा मोबाइल और 4 लाख रुपए तुम दोनों के घर से बरामद हुए। अब बाकी का सच तुम लोग यहाँ बोलोगे, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ मुर्दे भी बोलते हैं और तुम तो फिलहाल जिंदा हो। 6 महीने पहले अमित सान्याल का पहली बार कॉल आया था हमारे फ्रेंडशिप क्लब में, तो मैंने उनसे बात की थी। और एक सुनाता हूँ दुनिया, रंजो गम का अक्सर गलत अंदाज लगा ली है। उनसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं चाहूँ तो उनके इस अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर मैं बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ। फिर मैंने यश के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। मैंने सुशांत का इलेक्ट्रिसिटी बिल चुरा कर एक सिम कार्ड खरीदा। मैंने अमित से कहा कि वो मुझे वो मान भी गए। कुछ टाइम के बाद मैंने उनसे 10,000 रुपये मांगे और उन्होंने मुझे दे दिए थे। किसी ना किसी बहाने से मैं उनसे पैसे मांगती रहती थी और वो मुझे दे दिया करते थे, लेकिन ये रकम ज़्यादा नहीं होती थी। हम लोग इंडिया में नहीं रहना चाहते थे, हम लोग कनाडा शिफ्ट होना चाहते थे। मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, 5 लाख की ज़रूरत है। तुम फिक्र क्यों करती हो? तू बिल्कुल चिंता मत कर। उसने हमें खाड़ी के पास 10 बजे बुलाया और हम 9:30 बजे ही पहुंच गए, लेकिन मालते नहीं छोड़ूंगा मैं तुमको, अभी पुलिस में जाके तुम्हारी कंप्लेंट करता हूं।
घर में बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होते हैं, लेकिन आज के इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि चाहे खुशी हो या गम, उसने उन्हें बांटना बंद कर दिया है। इसलिए खुशी महसूस नहीं होती है और दुख कम नहीं होते। अपने आस पड़ोस से अनजान एकाकी जीवन जीने वाले हम लोगों को क्या सामाजिक प्राणी कहा जा सकता है? अगर चिंतन के दोस्तों या रिश्तेदारों ने उस पर जरा सा भी ध्यान दिया होता तो शायद वो आज इतना अकेला ना होता कि अकेलापन उसे पागल बनाते। वो अकेलेपन से इतना डरने लगा था कि उसने अपनी बहन की लाश को अपने घर में ही 6 महीने तक छुपा कर रखा था। इस तन्हाई से पीछा छुड़ाने की कोशिश में अमित सान्याल ने अपनी जान गंवाई। चिंतन एक अपराधी बन पागलपन को गले लगा बैठा और मिष्टी एक बहुत भयानक हादसे का शिकार होते होते बच गई, जिस हादसे में शायद उसकी जान भी जा सकती थी। दुख बांटने से कम होंगे और सुख बांटने से बढ़ेंगे। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।